नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार यूजीसी टीम चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हिंदी आलोचना, और हिंदी आलोचना का शुरुआत जो हुआ है 19वीं शताब्दी भारतेंदु युग से माना जाता है। तो हम लोग बात करते हैं हिंदी आलोचना का शाब्दिक अर्थ क्या है, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जो इसके बारे में बताएंगे क्या है। तो समालोचना या आलोचना, क्रिटिज्म किसी वस्तु विषय की उसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण और दोषों को उपयुक्तता का विवेचन करने वाली साहित्य को ही साहित्य विधा है। और हिंदी आलोचना का शुरुआत 19वीं शताब्दी के भारतेंदु युग से माना जाता है। समालोचना का शाब्दिक अर्थ क्या है, अच्छी तरह से देखना। आलोचना शब्द लुच धातु से ही बना है, जो लुच का अर्थ ही होता है देखना। और समीक्षा और समालोचना शब्द का भी यही अर्थ होता है। एक तरह से वर्ड थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है, लेकिन एक तरह से ही देखना, अच्छी तरह से देखना, उसका यही मतलब होता है। यदि हम लोग अंग्रेजी के अनुसार मानते हैं, अंग्रेजी के क्रिटिज्म शब्द के समानार्थी रूप में आलोचना का व्यवहार होता है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्रिटिज्म बोलते हैं। और संस्कृत में प्रचलित टीका व्याख्या और काव्य सिद्धांत निरूपण के लिए भी आलोचना शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है। किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्पष्ट मत है कि आधुनिक आलोचना शब्द के काव्य सिद्धांत निरूपण से स्वतंत्र चीज है। तो कुल मिला के देखिए, आलोचना का मतलब ही होता है कि अच्छी तरह से देखना, उसको देख पढ़ के आलोचना करना, ताकि उसकी कुछ गलतियां हैं उस गलतियों को सुधारे, उसके यही एक मकसद होता है। तो आलोचना के हम लोग भारतेंदु युग से स्टार्ट करते हैं। तो भारतेंदु युग प्रथम आलोचना भारतेंदु युग से ही माना जाता है। और प्रथम आलोचना नाटक है जो 1883, यहाँ पास 1883 होना चाहिए, 1883 होना चाहिए। प्रथम है बच्चन सिंह के अनुसार प्रथम हिंदी आलोचक कौन है, बालकृष्ण भट्ट। और प्रथम आलोचनात्मक कृति किसे माना जाता है, भट्ट जी जो मानते हैं, भट्ट जी का जो आलोचना है, पहला आलोचना किसे माना जाता है, समालोचना को माना जाता है। सच्ची समालोचना 1886 हिंदी प्रदीप श्रीनिवास दास के सहयोगिता शंबर की आलोचना है। श्रीनिवास दास का कौन सा रचना है, सहयोगिता शंबर की आलोचना है। और हिंदी प्रदीप जो है ये भट्ट जी की ही आपका पत्रकारिता, उसका जो जैसे है ना उस चैनल टाइप का, उसका वही है जो उस पत्रिका से ही संपादन होता था उसका। तो हम लोग समय के अनुसार मानते हैं, तो भारतेंदु युग को मानते हैं। यदि बच्चन सिंह के अनुसार हम लोग मानेंगे, बच्चन सिंह के अनुसार मानेंगे, तो हम लोग बालकृष्ण भट्ट को मानेंगे। ये याद रखिएगा कि समय के अनुसार में भारतेंदु युग से माना जाता है, और बच्चन सिंह के अनुसार में बालकृष्ण भट्ट को मानते, जिसको सच्ची समालोचना से माना जाता है। तो हम लोग थोड़ा सा ऊपर की ओर करते हैं इसको। उसके बाद आता है प्रेमघन। प्रेमघन जो है इसी को आधार बनाकर शुक्ल में समालोचना का सूत्रपात, यहाँ पर पात होना चाहिए, सूत्रपात। सूत्रपात भट्ट एवं प्रेमधन से ही माना जाता है। मतलब यहाँ पास प्रेमधन जो है, प्रेमघन में युग में शुक्ल जो है ना, समालोचना का सूत्रपात किसे माना जाता है, भट्ट एवं प्रेमधन को माना जाता है। तो अब नेक्स्ट फेस में चलते हैं। उसके बाद आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी में कौन कौन आ जाते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी में तुलनात्मक आलोचना का जनक किसे माना जाता है, पद्म सिंह शर्मा को माना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि तुलनात्मक आलोचना का जनक किसे माना जाता है, तो पद्म सिंह शर्मा को माना जाता है। और कब से माना जाता है, तो 1907 की सरस्वती शेख शादी, क्या हुआ था, सरस्वती शेख शादी और बिहारी की तुलनात्मक आलोचना लिखी है। एक क्वेश्चन आता है कि पद्म सिंह शर्मा ने 1907 में किस आलोचना से माना जाता, तो शेख शादी की बिहारी की तुलनात्मक आलोचना से माना जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं
देव एवं बिहारी विवाद, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, जो क्वेश्चन तो यहाँ से तो आते ही आता है। देव बिहारी विवाद में, देव एवं बिहारी विवाद में हिंदी नवरत्न 1910 में मिश्र बंधु से माना जाता है। हिंदी नवरत्न किसका है? मिश्र बंधु का ये तुलनात्मक रचना है। उसके बाद है देव को बिहारी से बड़ा बताया है और तुलसी व सुर के समक्ष रखा है। किसने रखा है? किसने रखा है? हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधु ने देव को बिहारी से बड़ा बताया है। देव को बिहारी से बड़ा बताया है मतलब देव को बिहारी से बड़ा बताया है कि तुलसी सूरदास के समक्ष रख दिया। किसने? मिश्र बंधु ने। उसके बाद आते हैं पद्म सिंह शर्मा, जो बिहारी सतसई के अनुसार तुलनात्मक अध्ययन बिहारी को बड़ा बताया है। किसको बड़ा बताया है? बिहारी को बड़ा बताया है। और कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी में से देव को बड़ा बताया है। देव को बड़ा बताया है। और लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव में से बिहारी को बड़े बताए हैं। ये याद रखिएगा कि हिंदी नवरत्न के अनुसार में मिश्र बंधु ने देव को बड़े बताए हैं और पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन के अनुसार में बिहारी को बड़े बताए हैं और कृष्ण बिहारी मिश्र के अनुसार में देव को बड़े बताए हैं और लाला भगवान दीन के अनुसार में बिहारी को बड़े बताए हैं। क्यों ये वाला है ना, बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है, जो बार बार पता नहीं चलता, खिचड़ी पक जाता है। तो एक बार थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा और हो सके तो एक बार याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आता है इसका। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। उसके बाद आता है जगन्नाथ दास रत्नाकर का एक मिनट थोड़ा सा। हाँ, जगन्नाथ दास रत्नाकर जो है जगन्नाथ दास का जो रचना का रचना है पॉप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म पदयबद्ध अनुवाद जो समालोचना दर्शन के नाम से ब्रजभाषा में किया। किस नाम से किया? ब्रजभाषा में किया। जगन्नाथ दास का रचना है ये। तो ये जो है पॉप के ऐसे ए रचनाकार है और ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म ये अंग्रेजी का ही मूल रचना है, जो इसको अनुवाद किया था जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, समालोचना दर्शन के नाम से किया था। और किस भाषा में किया था? ब्रज भाषा में किया था। उसके बाद आते हैं हिंदी में शोध एवं अनुसंधान परक समीक्षा का विकास। तो हिंदी में अनुसंधान परक समीक्षा का बात करते हैं। सबसे पहले तो कौन कह यहाँ क्या हो रहा है, कौन आता है इसमें से? अनुसंधान समीक्षा का विकास में आता है नागरिक परचानी सभा से पहला अनुसंधान परक माना जाता है। क्या माना जाता है? नागरिक परचानी पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। मैं लिख दे रहा हूं। नागरिक परचानी नागरी परचानी पत्रिका माना जाता है। तो हिंदी में शोध एवं अनुसंधान पर रस यहां गलत लिखा, रस समीक्षा होना चाहिए। समीक्षा होना चाहिए था। अनुसंधान समीक्षा का विकास कब से माना जाता है? तो नागरी परचानी पत्रिका से माना जाता है। और हिंदी में यदि हम लोग बात करें, हिंदी के पहले अध्यापक कौन है? तो श्याम सुंदर दास है। हिंदी के कौन है? पहला अध्यापक हिंदी में श्याम सुंदर दास को माना जाता है, जो 1921 में एमए जो किया है विश्वविद्यालय से किया है। कौन सा विश्वविद्यालय है ये? तो हिंदी के एमए किया था इनके पहले। हाँ,
1921 में काशी कहाँ से किए थे? श्याम सुंदर दास ने 1921 ईस्वी में वहाँ अध्यापक जो बनाया था उस भी विश्वविद्यालय का नाम है काशी काशी हिंदू काशी हिंदू विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय से माना जाता है। तो प्रथम बार हिंदी अध्यापक के रूप में किया था, उसको बनाया था। अध्यापक बनाया था ये। तो क्वेश्चन भी आता है कि हिंदी के पहले अध्यापक किसे माना जाता है, तो श्याम सुंदर दास को माना जाता है, याद रखिएगा। और कब इसको नियुक्ति किया गया था, तो 1921 में किया था, जो एमए के लिए उसको अध्यापक बनाया था एमए के लिए। और किस विश्वविद्यालय में, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय हिंदी के रूप में अध्यापक के रूप में बनाया गया था। यदि हम लोग उसका बात करते हैं तो किस उद्देश्य से बनाया, इसका एक उद्देश्य था कि बाबू श्याम सुंदर दास की नियुक्ति का अध्ययन और विकास की प्रेरणा देने के लिए बनाया था। क्या चीज़ के लिए? विकास, हिंदी का विकास कर सके। और उसका उद्देश्य है, उद्देश्य यही था कि हिंदी का प्रचार प्रचार अच्छा से कर सके। उनके यदि अनुसंधान है तो उस जाहिर सी बात है, अनुसंधान के बाद उसके शोधार्थी भी होना चाहिए। तो इनके पहले शोधार्थी कौन है? पीताम्बर दत्त भारद्वाज है, पीताम्बर दत्त भारद्वाज को माना जाता है। और उसका प्रथम शोध प्रबंध हिंदी काव्य का हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय को माना जाता है। एक कभी पूछता भी है हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय की रचनाकार कौन है, तो पीताम्बर दत्त भारद्वाज को माना जाता है। अब किसके देखरेख में हुआ था? श्याम सुंदर दास के देखरेख में हुआ था। तो हम लोग थोड़ा सा इसको ऊपर क्यों करते हैं, श्याम सुंदर दास के लिए हम लोग रचना का बात करें तो रचना श्याम सुंदर दास की रचनाएं जो है साहित्य लोचन 1922 का रचना है, भाषा विज्ञान 1923 का रचना है, हिंदी हिंदी भाषा का विकास 1924 का रचना है, हिंदी भाषा और साहित्य 1930, रूपक रहस्य 1931, भाषा रहस्य 1935 का रचना है। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। अब आते हैं हिंदी में एकेडमिक आलोचना अध्यापी की आलोचना का सूत्रपात किसने किया था? श्याम सुंदर दास ने किया। आप लोगों को तो मालूम है सबसे पहले श्याम सुंदर दास ही जो थे एकेडमिक मतलब विश्वविद्यालय में जो संस्थान पढ़ाने का जो हिंदी विषय को बनाया गया था। एक क्वेश्चन भी आता है एकेडमिक आलोचना का अध्यापक सूत्रपात किसने किया था, तो श्याम सुंदर दास ने किया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं शुक्ल युग की ओर चलते हैं, तो शुक्ल युग में भी बात कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा इसको मैं कुछ बताना चाहता हूँ, इसमें हिंदी में एकेडमिक आलोचना अध्यापक आलोचना का सूत्र बाबू श्याम सुंदर दास किया था, लेकिन हाँ ठीक है ठीक है, इसमें शुक्ल युग में आते हैं। शुक्ल युग में आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने सैद्धांतिक आलोचना सबसे पहले सैद्धांतिक आलोचना का रचना किया था, जो प्रथम बार प्रथम यहाँ काव्य लिखना चाहिए था, गलत हो गया है, यहाँ काव्य होना चाहिए, प्रथम काव्य रहस्यवाद होना चाहिए। प्रथम काव्य में रहस्यवाद 1929 में रचना किया था। सबसे ये भी क्वेश्चन आता है कि सैद्धांतिक आलोचना का सूत्रपात सबसे पहले किसने किया था, तो रामचंद्र शुक्ल ने किया था। उसकी सैद्धांतिक आलोचना में सबसे पहले कौन सा रचना आता है, तो सबसे पहले रचना आता है काव्य में रहस्यवाद, कब रचना है 1929 का रचना है। उसके बाद आता है काव्य मीमांसा, उसके बाद आता है काव्य मीमांसा 1949 का रचना है। और यदि हम लोग बात करें तो उसके अन्य भी और भी रचनाएं हैं, अन्य आलोचनात्मक कृतियां हैं, जैसे कि उसका गोस्वामी तुलसीदास
1923 का रचना है, किसका है, रामचरण शुक्ल का है। जैसी ग्रंथावली 1924 का है, ये भी शुक्ल जी का है। भ्रमर कीर्ति सार 1925 का है, शुक्ल का है। अभी हम लोग बात करें शुक्ल ने और भी रचना जो किया था, आचार्य शुक्ल आनंद की अभिव्यक्ति के आधार पर काव्य के दो विभाग किए, मतलब आनंद के आधार पर दो भाग किए थे शुक्ल ने, आनंद के अभिव्यक्ति के आधार पर दो विभाग किए, जिनमें से पहला जो है आनंद की साधारण अवस्था या प्रत्यय पक्ष को लेकर चलने वाली, जैसे रामचरितमानस है, पद्मावत है, पृथ्वी रासु है, छत्र प्रकाश है और हमीर रासु है। और ये सब जो रचना है ये प्रबंध काव्य माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रबंध काव्य माना जाता है। ये लिख दे रहा हूं यहाँ पर, ये सब प्रबंध काव्य है। रामचंद्र शुक्ल यदि बात करें तो आनंद की साधना अवस्था जो है ये प्रबंध काव्य माना जाता है, ये याद रखिएगा। थोड़ा सा इसको ऊपर की ओर करते हैं कर्सर को, और दूसरी तरह का जो लिखा है ये आनंद की सिद्धा अवस्था, एक है आनंद की साधना अवस्था था, ये है आनंद की सिद्धा अवस्था के अनुसार में। आनंद की सिद्धा अवस्था के अनुसार उपभोग पक्ष को लेकर चलने वाली, जैसे सुरसागर, कृष्ण भक्त कवियों के पदावली, बिहारी सतसाई, रीतिकाल के कवियों का फुटकल सिंगारी पद और रास पंचाध्याय, ये सब रचना जो है रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। ये किस तरह का रचना माना जाता है? तो ये जो है ये सब वर्णात्मक रचना माना जाता है। वर्णात्मक वर्णात्मक काव्य माना जाता है। पहला जो रचना था आनंद आनंद साधना अवस्था के अनुसार में, उसको क्या मानते थे? वो प्रबंध काव्य माने जाते थे। लेकिन आनंद की सिद्ध अवस्था के अनुसार हम बात करेंगे तो रामचंद्र शुक्ल ने सैद्धांतिक आलोचना के अंदर में ये सबको वर्णात्मक आलोचना माना जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं, रामचंद्र शुक्ल की एक फिर रचना भी है, अनुदित रचना सब है। यदि अनुदित रचना का बात करें उसका, तो एडिशन एडिशन जो मूल रचनाकार है उसका रचना है एसेज ऑन इमेजिनेशन, ये मूल रचना है। अब रचनाकार है एडिशन है, जो रामचंद्र शुक्ल ने अनुवाद किया था कल्पना का आनंद, किस नाम से किया था? कल्पना का आनंद के नाम से रामचंद्र शुक्ल ने किया था। दूसरा रचना जो है जॉन हेनरी न्यूमैन, ये रचनाकार है इंग्लिश का, अंग्रेजी का रचनाकार है, मूल रचनाकार है, जिसका उसका रचना है प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग, मूल रचना ही है प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग, मूल रचना है और रचनाकार है इसका है जॉन हेनरी न्यूमैन है। और इसका आदर्श जीवन अनुवाद रामचंद्र शुक्ल ने किया था, किस नाम से किया था? आदर्श जीवन के नाम से अनुवाद किया था। उसके बाद एक और रचना है न्यूमैन का लिटरेचर का अनुवाद किया था रामचंद्र शुक्ल ने, साहित्य का नाम से रचना किया था। तो रामचंद्र शुक्ल ने तीन इसका अनुवाद किया था, कल्पना का आनंद, दूसरा है आदर्श जीवन और इसमें लिटरेचर का अनुवाद किया था साहित्य, और हेकल का जो है हेकल का बात करें तो हेकल का जो इसका मूल रचना है रीडर ऑफ द यूनिवर्स, ये मूल रचना है और रचनाकार जो है हेकल है, और इसका अनुवाद जो किया था विश्व प्रपंच के नाम से रामचंद्र शुक्ल ने किया था। ऐसे तो बहुत सारा अनुवाद किया था लेकिन हम लोग कुछ गिना चुना को लेके आए हुए, आप लोग किताब हिंदी साहित्य के इतिहास में आप लोग देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग पंत की अन्य आलोचना की बात करते हैं। तो सुमित्रानंद पंत के पल्लव के प्रवेश को छायावत घोषणा पत्र माना जाता है। क्वेश्चन आता है सुमित्रानंद पंत के पल्लव के प्रवेश को छायावाद का घोषणा का पत्र माना जाता है,
ये क्वेश्चन बनता था, किसे माना जाता है? पल्लव से माना जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। थोड़ा सा इसको हम ऊपर क्यों कर लेते हैं, थोड़ा अपन पंत जो है ये पंत है, पंत जो है, पंत का एक रचना है जो उसका कोटेशन बहुत ही, मतलब क्वेश्चन ये आता ही है, तो जो उसका जो है पंत के अनुसार में कविता हमारी परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये कथान किसका है, तो पंत का है। क्वेश्चन कभी भी कर देता कोटेशन के अनुसार में पूछ देता है, निराला पंत या जयशंकर प्रसाद को डाल देगा और पूछे कविता हमारी परिपूर्ण क्षणों की वाणी किसकी कथन है, तो पंत का है। उसके बाद है रचना में आ जाते हैं, रचना का बात करें तो गद्य पद 1953 का रचना है, शिल्प और दर्शन 1961 का रचना है, छायावाद पुनः मूल्यांकन 1965 का रचना है। ऐसे तो बहुत सारे रचना है, लेकिन कुछ ही गिने चुने हम लोग जो प्रमुख रचना है उसी को लेकर आए हुए हैं, आप लोग देख लीजिए एक बुक में। उसके बाद आते हैं निराला। अभी हम लोग निराला का बात करते हैं, तो निराला के प्रमुख आलोचना जो है, निराला ने लिखा है कविता परिवेश की पुकार है, ये भी कोटेशन पूछता है कि कविता परिवेश की पुकार है किसकी कथन है, ये निराला का है। निराला ने कवित को हिंदी का जाति छंद कहा है, ये भी क्वेश्चन आता है। निराला ने कवित को किसको, कवित को हिंदी का जाति छंद कहा है, किसने कहा, निराला ने। रचना का बात करें तो रविंद्र कविता कानन है, उसके बाद पंत और पल्लव है, फिर तीसरा रचना है प्रबंध पद है, ऐसे बहुत सारा रचना है, कुछ प्रमुख रचना है हम लोग लिखा है। फिर उसके बाद आते हैं कृष्ण शंकर शुक्ल, ये सब सारा शुक्ल युग में ही आते हैं। तो कृष्ण शंकर शुक्ल का रचना है केशव और काव्य कला, दूसरा है कविवर रत्नाकर, फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का जो रचना है उसका बात करें काव्यांग कौमोदी, दूसरा रचना है बिहारी की भूति, तीसरा बिहारी। फिर आते राम कुमार वर्मा का बात करें तो राम कुमार वर्मा का रचना का बात करते हैं हम लोग, उसका आलोचना का, तो कबीर का रहस्यवाद किसका है, राम कुमार वर्मा का कबीर का रहस्यवाद। साहित्य शास्त्र 1955 का है, साहित्य समालोचन 1938 का है, ये ग्रंथ है, ये बहुत ही क्वेश्चन इनमें से भी आ जाते हैं, आप लोग देख लीजिए इस ग्रंथ को। उसके बाद आते हैं गुलाब राय का है नौसर, उसके बाद दूसरा रचना है सिद्धांत और अध्ययन 1946 का रचना है, काव्य के रूप में 1947 का रचना है। फिर आते पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का रचना है विश्व साहित्य और विश्व साहित्य विमर्श, इसका भी जो ग्रंथ है ना बहुत ही अच्छा ग्रंथ है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग रामचंद्र शुक्ल, ये जो है चिंतामणि जो है, ये चिंतामणि इन्हीं का ही है, तो चिंतामणि पहला भाग जो है 1929 का है। यदि हम लोग बात करें रामचंद्र शुक्ल का, तो रामचंद्र शुक्ल निमन संग्रह जो है विचार विधि नमा के नाम से 1930 में रचना किया था। फिर बाद में जो है 1939 में चिंतामणि भाग वन के नाम से प्रकाशित हुआ। एक क्वेश्चन आता है कि चिंतामणि भाग का पहला नाम क्या था, तो विचार विधि माँ का नाम से पहला निबंध संग्रह था, 1930 में ये रचना किया था, लेकिन 9 साल बाद चिंतामणि भाग वन के नाम से प्रकाशित हुआ। ये किसका है, शुक्ल के, क्वेश्चन बनता है वाला, ठीक है, एक बार जरूर इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि हम लोग बात करें चिंतामणि भाग वन जो है रामचंद्र शुक्ल का 1929 में लिखा था, सॉरी 1939 में लिखा था, ठीक है। और इसका बात करें तो इसमें संकलित निबंध कितना सारे थे उसका तो बात कर लेते हैं, भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानी, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्षा, भय, क्रोध, कविता, क्या, ये सिलेबस हम लोग लगा हुआ, ठीक है।
कविता क्या है, सिलेबस हम लोग को लगा हुआ है, एक बार ये पढ़ना भी है, ठीक है। ये निबंध हम लोग को आता ही है, इनमें से क्वेश्चन कुछ ना कुछ आ ही जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद, ये भी क्वेश्चन में आता है हम लोग का, ठीक है। उसके बाद मानस की धर्म भूमि, काव्य में लोक मंगल की साधन अवस्था और साधारणीकरण की व्यक्ति वचित्तवाद, तो ये सब क्वेश्चन जो है हमारे आते ही है ये सब, तो एक बार जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, तो कहीं ना कहीं आ जाए तो हम लोग को याद रहता है माइंड में, तो टिक मार लेंगे हम लोग। तो उसके बाद आते हैं चिंतामणि भाग दो। चिंतामणि भाग दो का किसका है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है, 1945 में किया था, जिनमें से काव्य में प्रकृति दृश्य है, दूसरा रचना है काव्य में रहस्यवाद, और तीसरा जो है काव्य में अभिव्यंजनवाद। चिंतामणि भाग थ्री है, नामवर सिंह का है, 1983 का रचना है। उसके बाद है चिंतामणि भाग फोर। चिंतामणि भाग फोर किसका है, कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश का है, 1902 से 1939 तक प्रकाशित चिंतामणि, कुल 47 निबंध संकलित है ये। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये तो चिंतामणि है, तो हो ही गया, उसी का ही चिंतामणि है जो आप बताएं। उसके बाद आते हैं मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचना। हम लोग मार्क्सवादी आलोचना का बात करते हैं, तो हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचना आलोचक किसे माना जाता है, तो शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। किसे माना जाता है, शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। और उसका बात करें तो उसका रचना जो है शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। यदि हम लोग बात करते हैं तो पहला आलोचना किसे माना जाता है मार्क्सवादी में, तो भारत, शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखा गया है, भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, 1937 का रचना है। भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता 1937 का रचना, शिवदान सिंह चौहान का ये प्रगतिवादी आलोचना माना जाता है। ये क्वेश्चन आता है मार्क्सवादी पहला आलोचक किसे माना था, चौहान को माना जाता है। शीर्षक निबंध का प्रबंध मार्क्सवादी समीक्षा, यहाँ पर एक समीक्षा होना चाहिए, का स्वीकार किया जाता है। पहला मार्क्सवादी समीक्षा किसे स्वीकार किया जाता है, शीर्षक के रूप में निबंध को ही किया जाता है, जो आपका प्रगतिशील साहित्य को ही माना जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हिंदी के, यहाँ गलत लिखा लग रहा है, हिंदी के महत्तम प्रगतिवादी मार्क्सवादी समीक्षा, शायद मिस्टेक लगे हैं, बस एक मिनट देख लेते हैं, यहाँ गलत लिखा है, महत्वपूर्ण होना चाहिए यहाँ पर, हिंदी के महत्वपूर्ण प्रगतिवादी मार्क्सवादी समीक्षा किसे माना जाता है, तो रामविलास शर्मा को माना जाता है, रामविलास शर्मा। तो उसका रचना का बात करें हम लोग, तो रचना में आते हैं, पहला रचना है प्रेमचंद है 1941, भारतेंदु युग 1943, निराला 1949। रामविलास शर्मा का बात करते हैं तो चौथा रचना जो है इसका प्रगति और परंपरा, प्रकृति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 1949। फिर है प्रेमचंद का उनका युग, प्रेमचंद का उनका युग 1952, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1955, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955 का रचना है। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग इसका आलोचना में, जिनमें से है भाषा और समाज 1961, भारतीय सौंदर्य और तुलसी, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001 का रचना है। तो इसमें तो ऐसे तो रामविलास शर्मा का बहुत सारा आलोचना है प्रगतिवादी मार्क्सवादी में, लेकिन आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा बुक में। उसके बाद मुक्ति बोध का बात करते हैं, मुक्ति बोध का जो रचनाएं जो है, अरे मुक्ति बोध में है तो कामायनी एक पुनः विचार 1961, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध 1964 का है, ये 1964 है, ठीक है। नए साहित्य के सौंदर्य शास्त्र 1971, शिवदान सिंह चौहान का जो है प्रगतिवाद 1964, साहित्य की परख 1946, हिंदी साहित्य के 80 वर्षीय क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये हिंदी साहित्य के 80 वर्ष किसकी रचना है, तो शिवदान सिंह चौहान का
ये रचना है, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। 1954 साहित्य की समस्या है, 1958 अमृत राय की जो रचना है, नई समीक्षा 1983, सचिंतन 1967 का है। तो ये बात थोड़ा सा उसको क्रसर ऊपर करते हैं। तीसरा रचना है आधुनिक भाव और भावभूत की संज्ञा 1972। चौथा रचना है विचारधारा और साहित्य 1984। अब आते हैं नामवर सिंह, ऐसे बहुत सारे आलोचक हैं जिनमें से कुछ गिना चुना हम लोग प्रमुख लिख आए हुए हैं। अब लास्ट में आते जो नामवर सिंह, नामवर सिंह इसलिए आए लिख आए हैं क्योंकि इस आलोचक का 1926 में जन्म हुआ था, 2019 में इसका मृत्यु हुआ था, इस वजह से हम लोग उसको लेके आए हैं। इसका यदि बात करते हैं समय सीमा का, 1926 में इसका जन्म है और 2019 में इसका मृत्यु हुआ है, ठीक है। इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, हिंदी के विकास में अपभ्रंश की योग 1952 का रचना है, छायावाद 1955 का रचना है, इतिहास और समालोचना 1957 का रचना है, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां 1962 का है, कहानी नई कहानी 1965 का है, वाद विवाद संवाद कई बार क्वेश्चन आ चुका है, वाद विवाद संवाद इस ये जो बोल रहा हूँ सारा इम्पोर्टेंट ही है, इसका महत्वपूर्ण है। उसके बाद आलोचक के मुख से भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, 2005 का रचना है, कई बार आ चुका है वाला, कहानी नई कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना, सब एक बार जरूर आप लोग देख लीजिएगा। रामविलास शर्मा का जो मोटा मोटी जो 9 रचना है सारा ही इसका जरूरी है। फिर ये जो इसका हम लोग बात करते हैं, दूसरी परंपरा की खोज 1982 का रचना थी, थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा। दूसरी परंपरा की खोज किसके बारे में बात करें, पहली परंपरा का खोज रामचंद्र शुक्ल ने किया था, उससे थोड़ा हट के बात किया था रामचंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, तो उस हजारी प्रसाद के ही शिष्य थे, कौन थे, रामविलास शर्मा थे। तो हजारी लिख दे रहा हूँ, हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी पर लिखे हैं, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी पर ही लिखे हुए हैं। यदि क्वेश्चन भी ऐसा करते हैं दूसरी परंपरा की खोज किसका किस पर लिखा गया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी पर लिखा गया, किसने लिखा है, तो रामविलास शर्मा ने लिखा है क्योंकि उसके शिष्य थे। फिर 9वां रचना का बात करते हैं, तो कविता की नई प्रतिमा, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, जो 1968 का रचना है। नामवर सिंह का यदि हम लोग बात कर लेते हैं, सिंपल सा बात करते हैं, इसे सामान्य जीवन परिचय का बात करते हैं क्योंकि हम लोग को थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। हाल में ही इसका निधन हुआ इसलिए तो थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। जन्म का बात करें तो 28 जुलाई 1926 को बनारस में जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश में, और निधन हुआ था 28 जुलाई 1926 बनारस उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ था, और निधन जो हुआ था 19 फरवरी 2019 में नई दिल्ली में इसका मृत्यु हुआ था, ठीक है। हजारी प्रसाद के शिष्य थे रामविलास शर्मा, कौन थे, हजारी प्रसाद के शिष्य थे रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जो थे हजारी प्रसाद के शिष्य थे, ठीक है। शोध का बात करते हैं तो उसने शोध भी रचना किया था, तो हम लोग इसे कुछ शोध का बात कर लेते हैं, क्या क्या शोध किया है। तो हिंदी में, हिंदी के विकास में अपभ्रंश की योग 1952 जो इसका रचना जो था ना, तो इस पर ये शोध किया था, हिंदी के विकास में अपभ्रंश की योग 1952 में शोध किया था। यदि हम लोग शोध का बात करते हैं तो ये जो शोध किया है तो पूर्ण लिखित रूप से 1954 में किया है, इसके बात करते हैं पूर्ण रूप से, पूर्ण लिखित रूप से किया था ये, पूर्ण लिखित रूप 1954 में किया था। उन्नीस सौ चौवन ईस्वी, अभी
हिंदी का विकास में अपभ्रंश का योग जो यहाँ योग होना चाहिए, अयोग लिखा हुआ है, अपभ्रंश का जो योग है आपका, जो विकास का बात कर रहा है, तो 1952 में तो किया था, लेकिन पूर्ण फिर से लिखने का काम कब किया था, 1954 में किया था। ये डेट याद रखिएगा, ठीक है, ये जरूरी है। उसके बाद पृथ्वी जरासु की भाषा, ये भी बहुत जरूरी है, ये भी शोध किया था। तो इसका जो है रामलीला शर्मा ने पृथ्वी जरासु का जो भाषा है, पृथ्वी जरासु भाषा साहित्य, ये संशोधित किया गया था। इसका हम बात करते हैं, लिखते हैं, आपस लिखते हैं, ये संशोधित संस्करण है, संशोधित। संशोधित संस्करण संशोधित संस्करण है ये, ठीक है, जो पृथ्वीराजो की भाषा पर किया था, साइट पृथ्वीराज भाषा और साहित्य, साहित्य पर किया था। तो क्वेश्चन भी आ सकता है कि पृथ्वी राजस्व की भाषा जो शोध किया था किस पर किया था, तो संशोधित संस्करण पृथ्वी राजस्व भाषा पर किया था, ठीक है, पृथ्वीराज भाषा पर ही किया था। तो अब इसका और भी है, जो बकमल खुद, ये जो है बकमल खुद जो है, ये जो बकमल खुद है 1951 का व्यक्तिजनक निबंधों का संग्रह 2013 ईस्वी में भारत या बार के संपादन में आई पुस्तक आरंभिक रचनाएं में नंबर जी की उपलब्ध कविता तथा विभिन्न विधाओं की गद्य रचनाओं का एक तरह से क्या बोले रचना है। ये बकमल खुद ये भी पूछता है क्वेश्चन, बकमल खुद किसकी रचना है, 1951 का रचना ये व्यक्तिजनक निबंध संग्रह ये, ठीक है। निबंध संग्रह के साथ संकलित होकर पूर्ण सुलभ हो गया था ये, यहां से है यहां तक इसका, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद साक्षात्कार भी की लिखे थे ये, तो साक्षात्कार में क्या कहा जाते हैं इनका, कहना ना होगा 1954 का है, बाद में बात 2006, काशी के नाम 2006, व्याख्यान में था आलोचक के मुख से 2005, ये बोला था ना बहुत जरूरी है ये ला, तो व्याख्यान में है आलोचक के मुख से 2005 का, संपादित पुस्तकें जो है इसका पृथ्वी राशो संचित, इसका जो है संक्षिप्त होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा गलत मिस्टेक हो गया, संक्षिप्त संक्षिप्त पृथ्वी राशो जो ये है जो लिखा है 1952 में, तो किस पर लिखा गया, हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी के साथ, द्विवेदी के साथ में लिखा है, ठीक है, ये याद रखिएगा कि ये संक्षिप्त पृथ्वी राजस्व 1952 में जो लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ में लिखा हुआ है, कौन लिखा है, रामविलास शर्मा ने। यदि हम लोग बात करते हैं पुरानी राजस्थानी, तो 1955 का जो रचना है पुरानी राजस्थानी, ये जो रचना है ये मूल लेखक जो है डॉक्टर एलपी है, जो है इसका अनुवाद नामवर सिंह ने किया था, ये अनुवाद किया था, ठीक है, अनुवाद नंबर सिंह ने किया है। मैं उस टाइम से गलत बोल रहा, अच्छा नंबर सिंह की बात कर रहा हूँ, उस टाइम से रामविलास शर्मा कर रहे हैं, अभी राम दिमाग में कहाँ चल जाए, तो नंबर सिंह, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक नाम से हो रहा था, तो ये नंबर सिंह जो है
यहाँ पर भी शायद गलत लिख दिया हूँ। यहाँ पर यहाँ जो होना चाहिए रामविलास शर्मा जो है, नंबर सी होना चाहिए, नंबर सी, ठीक है। हाँ तो जल्दबाजी में तो मिस्टेक हो गया था। हाँ नंबर सी, नंबर सी। हिंदी के विकास अपभ्रंश की 1952 का रचना है, छायावाद 1955 का है, ठीक है। इसकी रचना का बात करें तो रचना तो हो गया इसका नंबर सिंह का, तो नंबर सिंह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य रहे हैं, ठीक है नंबर सिंह। और नंबर सिंह जो है हिंदी में विकास अपभ्रंश के योग जो 1952 में जो रचना किया था पूर्ण लिखित रूप में 1954 ईस्वी में किया था। पृथ्वी जरासु की भाषा 1956 में रचना किया था, लेकिन ये संशोधित रचना, संशोधित संस्करण पृथ्वी जरासु भाषा की साहित्य ही है, ठीक है। उनका ही एक रचना और है नंबर सिंह का, बकमल खुद है। तो ये तो हो गया था, तो रामविलास शर्मा अष्टम सरट लगा रहे थे लेकिन नंबर सिंह है, क्षमा करना उसके लिए। तो साक्षात्कार भी हो गया है, व्याख्यान भी हो गया है। हाँ हम लोग बात कर रहे थे इसका संपादित पुस्तक की बात कर रहे थे हम लोग। तो संपादित पुस्तक में जो है संक्षिप्त पृथ्वी जरासो जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ लिखा है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ में नंबर सिंह ने दोनों को मिलकर लिखे हैं। पुना राजस्थान, ये जो पुना राजस्थानी जो भाषा है रचना जो है पुस्तक 1955 में नंबर सिंह अनुवाद किए थे। फिर तीसरा रचना जो चिंतामणि भाग थ्री, चिंतामणि भाग थ्री जो है ये 1983 की रचना है। फिर चौथा रचना जो है काल मार्क्स, काल मार्क्स जो है रहा होना चाहिए, काल मार्क्स कला और साहित्य के चिंतन, कला और साहित्य के चिंतन जो है ये, कला और साहित्य के चिंतन अनुवादक गोरख पांडे का है, ठीक है ना। किसका है अनुवाद किया था, अनुवादक गोरख पांडे, गोरख पांडे, ठीक है। तो काल मार्क्स कला और साहित्य का चिंतन किसका अनुवादक है, ये गोरख पांडे का, ठीक है। फिर नागार्जुन, नागार्जुन प्रतिनिधि कविताएं, तो नागार्जुन प्रतिनिधि कविताएं में बात कर लेते हैं। तो इसका जो है दिया नहीं है बस। हाँ उसके बाद है मैनेज की डायरी, मैनेज की डायरी जो है ये तीन खंड में लिखा है। मैनेज की डायरी जो है ये तीन खंडों में लिखा है। तीन खंडों में मैनेज की डायरी जो पुस्तक है नंबर सिंह का, ये तीन खंड में लिखा है। उसके बाद है आधुनिक हिंदी उपन्यास भाग दो, ये जो है आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी उपन्यास भाग दो है। उसके बाद है राम, हाँ रामचंद्र शुक्ल रचनावली, रामचंद्र शुक्ल रचनावली जो है ये रचना जो है रामचंद्र शुक्ल रचनावली जो ये संपादक आशीष त्रिपाठी का है, ठीक है ना। सह संपादक जो है संपादक आशीष त्रिवेदी है, त्रिपाठी, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल रचना वाली किसका है, ये सह संपादक आशीष त्रिपाठी का ही है। तो हम लोग ये सबको कुछ लेके आए थे कुछ आलोचना, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से हम लोग देखते हैं बात करते हैं तो आलोचना से भी बहुत सारा क्वेश्चन आते ही है। तो हम लोग को ये सब तो करना ही था, तो सोचे क्यों ना कुछ कोई आलोचक कोई लेके आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन जो है हमारा तो आते ही है हिंदी आलोचना में से। तो हम लोग ये सब को ध्यान में रखते हुए
कोई आलोचना लेके आए थे, वैसे तो बहुत सारे आलोचक है जो करना चाहिए थे हम लोग को, लेकिन जो प्रमुख है उसी की हम लोग बात कर रहे थे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।